सो व्हाट्स अप यूट्यूब, दिस इज योर गौरव, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज बहुत ही स्पेशल दिन है, मेरा बर्थडे है। नहीं, आज मैं बताने वाला हूँ आपका चेस्ट वर्कआउट फॉर फीमेल। तो आप बोलेंगे इस पर मैंने वीडियो बना रखा है। जी हाँ, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लगभग 3 मिलियन व्यूज उस पर मिले। तो कुछ लोगों ने बोला कि सर इस पर आप फिर से एक नए पैटर्न पर वीडियो बनाई। तो मैंने सोचा क्यों ना, आप लोगों की डिमांड, आप लोग के लिए इतना काम किया जा रहा हूँ, एक वीडियो फिर से नए पैटर्न पर शूट करता हूँ। तो यहाँ पे आज मैं ले आया हूँ नया चेस्ट वर्कआउट फॉर फीमेल्स, मेंस भी कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी एक रेजिस्टेंस ट्यूब और रेजिस्टेंस बैंड। कैसे होते पहले आपके मैं वो दिखा दूँ। तो ये है बेसिकली रेजिस्टेंस ट्यूब, ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है, और ये है रेजिस्टेंस बैंड, एक इस कलर में है और एक इस कलर में, एक कलर और मैंने उसको बैग में रखा हुआ है। तो आप बोलोगे सर दो कलर में आपने क्यों लिया। तो देखिए इसके लेंथ अलग है, इसके लेंथ अलग है, ये बिगनर के लिए है, ये एडवांस के लिए। जो मेरे बैग में पड़ी है वो है उससे भी थोड़ा सा एडवांस, तो उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, केवल आपको बस इसी की ज़रूरत है। तो आप कुछ लोग बोलेंगे सर मेरे पास ये नहीं है, मैं कैसे करूँ। तो देखिए कुछ चीज़ें आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर आप 2-3 मंथ मोमोज नहीं खाओगे तो ये आप इजीली परचेज कर सकते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो कोशिश करें कुछ पैसे कलेक्ट करिए और कुछ कुछ चीज़ों को परचेज ज़रूर करिए, अपने डेली वर्कआउट में उसको यूज़ करिए, उसका बेनिफिट आपको बहुत लॉन्ग टर्म देगा। बहुत महंगे नहीं है, 300-400 रुपये में आपको इजीली अवेलेबल है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, आप चाहे तो अपने नज़दीकी किसी भी स्पोर्ट्स के शॉप पे जाओगे, बोल लोगे रेजिस्टेंस ट्यूब और रेजिस्टेंस बैंड दे दें, आपको बहुत आसानी से बेसिकली मिल जाएगा। जो सबसे बड़ी बात ये है, कुछ लोग बोलते हैं सर ये वर्कआउट करने से मेरे लड़कों की तरह फिजिक हो जाएगी, फीमेल ये पूछती है। तो देखिए ये बिल्कुल घटिया सवाल है, दिमाग से हटा दीजिए कि मेरी बॉडी लड़कों की तरह हो जाएगी, मेरे भी बाइसेप बड़े बड़े हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मेंस की फिजिक अलग है, फीमेल्स की फिजिक अलग है, दोनों में ड्रास्टिक डिफरेंस है। तो अगर आप सोच रहे हो लड़कों की तरह फिजिक हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। मैरी कॉम ने वर्कआउट किया, सानिया मिर्जा ने वर्कआउट किया, दीपिका पादुकोण ने वर्कआउट किया, प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम का रोल करने के लगभग 8 मंथ अपने आपको वेट ट्रेनिंग किया, कि उसकी फिजिक लड़कों की तरह हो गई, नहीं ना। तो ये दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए और एक अच्छा वर्कआउट फॉलो करिए। कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये नहीं है, तो मैंने बताया कुछ दिन मोमोज मत खाओ, आप इसको परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ 4 बेसिक से वर्कआउट, रेजिस्टेंस ट्यूब से और रेजिस्टेंस बैंड से, दोनों से आपको बेसिकली करने हैं। रेप रेंजेस होंगे 10, 10, 10। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सर इसको 10 ही बार करने हैं। नहीं, मैं वीडियो बहुत लंबी और बहुत लेंदी ना हो जाए इस वजह से मैं केवल 10 ही बार करता हूँ। आप चाहें अगर आपसे लगभग 15-15 के रेपिटेशंस हो रहे हैं, रेफरेंजेस 20-20 के हो रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हो। ये अपने को बाउंड मत करो आप कि मैं 10 बार कर रहा हूँ तो आप भी 10 बार कर रहे हो। मैं वीडियो लेंदी ना हो इस वजह से केवल 10 ही बार करता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए ये वर्कआउट बेसिकली आपको कैसे करने हैं। तो रेप रेंजेस मेरे हैं 10, 10, 10, वर्कआउट है 4, सभी के रेपिटेशन होंगे 3। तो ये है छोटा सा वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा, ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। साथ ही मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, कुछ लोग बोलेंगे सर कितने दिन में रिजल्ट्स मिल जाएगा। देखिए अगर आप इसको डेली बेसिस पर करोगे, डाइट अच्छी रखोगे, तो आपको लगभग 2-3 मंथ में ही आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। कोई रातों रात मिरेकल नहीं होगा, वर्कआउट एक ऐसी चीज़ है जिसका धीरे धीरे आपके बॉडी में रिजल्ट्स दिखता है। डिपेंड करता है आपके डाइट कैसी है, आपका वर्कआउट पैटर्न कैसा है, आप किसी भी वर्कआउट लोगे कितने सीरियस हो। अगर आप डेली बेसिस पर करोगे तो आपको जरूर 2-3 मंथ में ही रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने top 4 वर्कआउट फॉर चेस्ट। तो बेसिकली जो पहली वर्कआउट है वो है केबल क्रॉस। तो केबल क्रॉस में आप किसी भी विंडो पे इसको फंसा सकते हो और इसको आप पीछे से आपको आगे पुश करना है। यहाँ पे हम लोग 3 पार्ट में इसको करेंगे और सभी के रिपीटेशंस होंगे 10-10 के, 3 सेट। यानी कि 3 सेट आपको पहले नीचे करना है, 1 पूरा स्ट्रेच करेंगे, देन स्क्वीज, 2, 3। ध्यान रखिए आपका पूरा प्रेशर आपके चेस्ट पे, आपके इनर चेस्ट, आपके आउटर चेस्ट पे पड़ना चाहिए, 4, 5, 6, बिल्कुल आराम से, 7, 8, पूरा हाथ खोलेंगे,
देन स्क्वीज 9 10। ये था हमारा पहला सेट। अब करेंगे सेम पोजीशन पे दूसरा सेट 1 2 3 4 5 इजी 6 7 8 9 10। ये था हमारा दूसरा सेट। अब करेंगे लास्ट सेम बॉडी पॉस्चर 1 2 जस्ट आपका हर मसल हर रिपीटेशंस पे इंगेज रहेगा 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो बेसिकली अगर आप नीचे कर रहे हो यहाँ पे ला के हाथ, तो ये आपके आपके इस पोस्चर पे, इस पोजीशन पे, इस बॉडी जोन पे आपकी मसल हिट कर रही है। अगर आप यही अगर आप यहाँ से करोगे तो यहाँ पे आपका यानी कि ऊपर पोर्शन पे आपकी मसल हिट होगी। तो हम लोग यहाँ पे तीनों मसल हिट करेंगे लोअर मिडिल एंड अप। तो सबसे पहले हम लोगों ने नीचे वाला पोर्शन किया, अब करेंगे हम लोग थोड़ा सा बॉडी ऊपर लाके। यहाँ भी लगभग वही 10-10 के 3 सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये था हमारा पहला सेट। अब सेम दूसरी बार यानी कि दूसरा सेट 1 2 चेस्ट आपका एंगेज रहे 3 4 5 6 7 8 9 10। ये था हमारा दूसरा सेट। आप चाहें तो बीच में 10 से 12 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं। अब चलिए करते हैं लास्ट सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये था हमारा दूसरा वर्कआउट। अब इसे में हम लोग करेंगे एकदम हाथ ऊपर करके ताकि हमारे जो अपर चेस्ट का पोर्शन है वो भी हिट हो सके। तो यहाँ भी लगभग वही 10-10 के 3 सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये था पहला सेट। सेम सेट दूसरी बार 1 चेस्ट आपका एंगेज रहेगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, बीच में जाएं तो आप फिर से वही 10 से 12 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं। अब करते हैं लास्ट रिपीटेशन यानी कि लास्ट सेट 1 2 3 4 5 7 8 9 and 10। तो बेसिकली ये था हमारा पहला वर्कआउट। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे वर्कआउट की ओर।
सो बेसिकली वो था रेजिस्टेंस ट्यूब, अब ये है रेजिस्टेंस बैंड। यहाँ पे हम लोग इससे करेंगे बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई बेसिकली जिम में भी होते हैं, तो हम लोग तो बेसिकली घर पे ही करने वाले हैं। तो इसमें करना क्या है आपको, इस बैंड में लगभग तीन वैरायटी आती है, एक आती है नॉर्मल, एक आती है बिगनर, एक आती है एडवांस। मतलब बिगनर में आपका ये थोड़ा लेंथ और छोटी हो जाएगी इसकी, जस्ट सॉरी बिगनर में थोड़ी बड़ी आएगी जैसी अभी है, और आप एडवांस लेंगे तो ये लेंथ थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, यानी कि इतनी बड़ी होगी, तो यहाँ पर जोर आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो मैंने तीनों मंगा रखा है, तो ये मैंने बिगनर लिया हुआ है, चाहे आप लोग बिगनर से भी कर सकते हैं। जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे आप अपनी वर्कआउट पैटर्न इंक्रीज करेंगे, तब आप एडवांस लेवल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बटरफ्लाई करेंगे हम लोग इस रेजिस्टेंस बैंड से। तो कोशिश करिए दोनों की इक्वली डिस्टेंस आपसे हाथों से नाप लें और इक्वल डिस्टेंस हो। इसके बाद आपको पूरा स्ट्रेच करना है अपना चेस्ट, वन देन स्लोली स्लोली डाउन। अगर आपको लगे डिस्टेंस को और कम करना चाहिए तो आप इतना कर लो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। स्ट्रेच एंड होल्ड फॉर 5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5 एंड स्लोली स्लोली डाउन, 3, 1, 2, 3, 4, 5 स्लोली स्लोली डाउन, 4, 1, 2, 3, 4, 5 एंड डाउन, अगेन 1, 2, 3, 4, 5 एंड डाउन, अगेन। पूरा स्ट्रेच करेंगे, पूरा आपका चेस्ट इन्वॉल्व होगा, 1, 2, 3, 4, 5। इसका फायदा ये बेसिकली है, ये तो आपका साथ ही साथ आपके बैक को भी ट्रेन करेगा, आप पूरा पीछे करके आपके बैक मसल भी हिट होगी, साथ साथ आपके ट्राइसेप, जिन फीमेल्स की ट्राइसेप बहुत ढीली हो जाती है उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। यहाँ पे हम लोग किए 10, वैसे हम लोग करेंगे 3 सेट इसी के। चलिए शुरुआत करते हैं, अब यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होगी, एंड डाउन स्ट्रेच होल्ड एंड स्लोली स्लोली डाउन, स्ट्रेच होल्ड एंड डाउन, साइड से देखिए, स्ट्रेच होल्ड एंड स्लोली स्लोली डाउन, दिस साइड डाउन डाउन, 7, 8, 9, 10। तो ये था हमारा दूसरा सेट, ऐसे करेंगे लोग 3 सेट, यानी कि 2 सेट हम लोगों के हो गए। अब बढ़ते अपने लास्ट सेट की ओर। ध्यान रखिएगा इस वर्कआउट से करने से आपके 3-4 मसल साथ ही साथ हिट होते हैं, एक तो आपका अपर चेस्ट तो साथ में ट्रेन हो ही रहा है, साथ ही साथ आपके ट्राइसेप्स, आपके बैक और आपके शोल्डर्स भी ट्रेन हो रहे हैं। तो ये कंपाउंड वर्कआउट है, यहाँ पे आपके फायदे बहुत सारे होने वाले हैं अगर आप इसको परचेज कर लेते हो। तो कुछ लोगों के पास नहीं होगा तो कोशिश करें कुछ चीज़ें खरीद के घर पर जरूर रखें, आपके वर्कआउट करने में ज़रूर मदद मिलेगी। या कहीं भी किसी भी स्पोर्ट्स के शॉप से चले जाएंगे तो उनसे मांग लेंगे, आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, बहुत महंगा भी बेसिकली ये नहीं है। चलिए अब करते हैं अपना लास्ट सेट, 1, होल्ड एंड डाउन, स्ट्रेच होल्ड and down, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो ये था बेसिकली मेरा हम लोगों का दूसरा वर्कआउट। अब बढ़ते अपने तीसरे वर्कआउट की ओर। तो बेसिकली जो अब हम लोगों ने लिया है रेजिस्टेंस बैंड, ये थोड़ा सा छोटा है, यानी कि ये एडवांस लेवल है, यहाँ पे आपका स्ट्रेचिंग थोड़ा जोर लगा के करना पड़ेगा। तो अगेन डिस्टेंस इतना बनाएंगे, बैक एंड होल्ड देन फ्रंट, 1, back, hold, 2, back, hold, 3,
होल्ड फोर, बैक होल्ड एंड फाइव, बैक होल्ड एंड सिक्स, बैक होल्ड सेवन, बैक होल्ड एट, वापस बैक होल्ड, लास्ट बैक होल्ड एंड रिलैक्स। यहां भी सेम तीन सेट करेंगे, रिपीटेशंस होंगे हमारे 10 10 10। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेट की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8, easy, 9, and last hold and 10। आप चाहें तो रेप रेंजेस बढ़ा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके स्टेमिना, आपके आपके कितना आपका एंडोरेंस लेवल, कितना आपका अच्छा है, उस पर डिपेंड करता है। मैं लगभग 10 बारी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चल जाएगी। आप चाहें तो इसको 20+20+20 या फिर 50+50+50 भी इंक्रीज कर सकते, डिपेंड करता है आपके बेसिकली स्टेमिना के ऊपर। चलिए अब करते हैं अपना लास्ट सेट। 1 2 3 4 5 6, ध्यान रखेंगे आपका चेस्ट हर टाइम एंगेज रहेगा, 7 8 9 and 10। तो ये था बेसिकली हमारा तीसरा वर्कआउट। अब बढ़ते हैं अपने चौथे और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्कआउट की ओर। तो बेसिकली जो चौथी वर्कआउट है वो है पुशअप्स। तो पुशअप्स सुन के कहने के कान खड़े हो जाते हैं, तो बिल्कुल पुशअप से घबराइए नहीं। पुशअप बहुत टफेस्ट वर्कआउट भी है, बहुत इजी वर्कआउट भी है। तो फीमेल से बेसिकली 90% पुशअप्स नहीं होते हैं, तो मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बना रखा है कि पुशअप कैसे करें फीमेल। अगर आपने नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो पुशअप अपने वर्कआउट में ज़रूर ऐड करिए। ये कैसी वर्कआउट है जिसमें आपके एक ही वर्कआउट में कई मसल्स हिट होते हैं, आपका चेस्ट यानी कि इनर चेस्ट, आउटर चेस्ट, आउटर चेस्ट साथ साथ आपके ट्राइसेप्स, आपके बैक, आपके शोल्डर भी ट्रेन होते हैं। तो ये इसके फायदे हैं अगर आप पुशअप डेली बेसिस पर करते हैं। अब बात आती है कि पुशअप कैसे करें। कुछ लोग शुरुआत करते हैं, अगर बिगिनर हैं तो लगभग 2-4 होता है तो छोड़ देते हैं, ये आपकी मेरे बस की बात नहीं है। अब पुशअप करने के बाद आपके मसल्स भी पेन होते हैं कुछ दिनों तक, और उस घबराहट में कुछ बंदे या बंदियाँ ऐसे भी हैं जो कि पुशअप करना छोड़ देते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है पुशअप करने से, मुझे नहीं करना है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, वो मसल्स पेन है वो कुछ दिन ही रहने वाला है, 2 से 4 दिन। जैसे आप वर्कआउट कंटिन्यू करते रहोगे वो मसल्स धीरे धीरे यूज्ड हो जाएगी और आपका पेन होना भी कम हो जाएगा। तो मेक श्योर आप वर्कआउट से छोड़िए मत पुशअप, निकालिए मत पुशअप, अपने डेली वर्कआउट में पुशअप जरूर ऐड करें। चाहे आप वॉक करते हो, चाहे आप जिम जाते हो, चाहे आप होम वर्कआउट हम लोगों की तरह घर पे ही वर्कआउट करते हो। तो यहाँ पे पुशअप्स करेंगे हम लोग 3 सेट, यानी कि रेप रेंजेस होंगे हमारे 10 10 10, यानी कि 10+10+10 3 सेट में हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो जब भी पुशअप करिए काउंट करिए कि मुझे आज कितनी बार मैंने किया, फिर नेक्स्ट डे फ्री मिलाइए उससे कि मुझे नेक्स्ट टाइम उससे बेटर करना है। अगर मैंने कल 10 किया है तो मुझे आज 12 करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट डे मुझे 13 करना है। तो अगर आप ऐसे काउंट करके पुशअप करोगे तो आपका धीरे धीरे स्टेमिना और एंड्योरेंस भी इंक्रीज होगा और आप धीरे धीरे पुशअप भी करने लगोगे या लगोगी। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पुशअप वर्कआउट की। तो बेसिकली जो हाथ होगा हमारे एकदम शोल्डर्स के सिधाई पे होगा। देखिए जिनसे नहीं हो पाएगा मैं बता दे रहा हूं, ध्यान रख लीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हो। 1 देन अप, मतलब कि नीज बेंड करके। तो मैं जो बेसिकली करूंगा वो थोड़ा सा टफ होने वाला है,
आप लोग भी ट्राई करें, यही सबसे इंपॉर्टेंट पुशअप्स हैं जो आपको करने हैं। वैसे हाथ यहाँ, बॉडी स्ट्रेट, ग्लूट्स थोड़ा सा ऊपर, देन डाउन, देन अप, गोज डाउन एंड अप, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। इजिली आप कर लोगे अगर इसको प्रैक्टिस करते हो। देन चलिए अब करते हैं दूसरी बार, सेम शोल्डर विथ पे हाथ, आपका बम ऊपर की तरफ, वन अप टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अगेन थोड़ी देर रेस्ट, लास्ट सेट। तो ये था बेसिकली मेरा चौथा वर्कआउट। तो ये था छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग चेस्ट वर्कआउट। आई होप आपको वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग जरूर लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, मैं वहां रिप्लाई आपको अक्सर दे ही देता हूँ। अगर आप मुझे पर्सनली बात करना चाहते हैं, मुझसे डाइट प्लान लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो वेट रिड्यूस हो चाहे वो वेट गेन हो, तो मेरे इंस्टा हैंडल इस नेम से है, इस पर मैसेज करिए, वहां मैं आपको डाइट चार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योग रत्नम, योर फ्रेंड, योर कलीग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।